मैं हूँ अभिषेक कुमार, अपने चैनल स्टडी लॉकर पे आपका स्वागत करता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग इसलिए इलेक्ट्रिसिटी में बेसिक में बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में, ठीक है। उसमें आज हम लोग कुछ और चीज के बारे में जानेंगे जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले कंडक्टर के बारे में जानेंगे, ठीक है। आखिर कंडक्टर होता क्या है? कंडक्टर इज द डिवाइस विच अलाउ टू इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में जो मदद करता है उसको कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। वो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देता है। इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? इसका एग्जांपल मेटल, मेटल हो सकता है, ठीक है, जो कि आसानी से इसको फ्लो करने देता है। और इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या होता है? एनी ऑब्जेक्ट विच डज नॉट अलाउ टू फ्लो करेंट थ्रू इट, उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने नहीं देता है उसको इंसुलेटर बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल वुड हम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी दो तरह का होता है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक करेंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट, जो भी इलेक्ट्रिसिटी अगर रेस्ट पे हो उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है उसको करेंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी विच इज एट द मोशन इज नोन एज करेंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो कॉम और हमने कॉम और पेपर वर्क के बारे में बताया था कि कॉम को रगड़ने के बाद उसमें कुछ चार्ज आ जाते हैं, तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है। और जो घर में हमारे बिजली आती है, जो बल्ब जलता है, वो करेंट इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? जो भी वर्क हमारा काम जो हुआ होता है कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज जो इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक आए, तो वो जो वर्क हमारा हुआ है, यानी कि जो काम किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट में आने में जितना काम हुआ है, उस चीज को हम इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल बोलते हैं। यानी कि वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब बात करें अगर पोटेंशियल डिफरेंस की, तो इसमें क्या है? अगर दो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो हमारा वर्क डन हुआ है चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव करने में, उस चीज को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो वर्क पोटेंशियल डिफरेंस को हम वी से डिनोट करते हैं, वोल्टमीटर से। इसका ऐसा यूनिट जो है वोल्टमीटर है। और वर्क डन को डब्ल्यू से, और चार्ज को हम क्यू से करते हैं, ठीक है, इसका डिनोट करते हैं वोल्टमीटर। अगर वर्क डन की बात करें तो ये जोल होता है, ठीक है, जोल से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। अब वोल्टमीटर क्या होता है? वोल्टमीटर को हम पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए यूज करते हैं। और वोल्टमीटर जो है हमेशा हम पैरेलल में लगाते हैं, यानी कि हमारा जो ये मान लीजिए कि हमारा वोल्टमीटर लगाना है, तो वोल्टमीटर को हमेशा हम ऐसे पैरेलल में लगाते हैं किसी भी सर्किट में, ठीक है दोस्तों। तो ये सब जो सब्जेक्ट है आपके लिए बहुत अच्छा है, आप ये हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल पे। आपको हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक और हर क्लास के टॉपिक को डिस्कस किया जा रहा है, तो आप अपने दोस्तों को भी रिकमेंडेड कीजिए हमारे चैनल को, बने रहिए हमारे चैनल पे। धन्यवाद।